की कहानी यही खत्म। अब कभी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। गाइस होल्ड ऑन, हो क्या रहा है, कोई मुझे बताएगा? यू गाइस यू अंडरस्टैंड, यू नो ना सिचुएशन क्या चल रही है। पापा और भाई दोनों फोन नहीं उठा रहे। प्लीज दरवाजा खोलो। कल देखो ना, कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। पापा, मिशन काका, रे, मिशन काका। ओह माय गॉड, रे, रे, ओह माय ब्रो, माय ब्रो। इट्स नो मोर। देखो ना जरा पापा को क्या। शीतल अंकल, शीतल प्लीज प्लीज जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। करो काम करने जा। आरा पापा, आरा अंकल, अंकल डोंट डोंट, एम्बुलेंस को कॉल करो, एम्बुलेंस को कॉल करो अर्जेंट। शीतल, जब तुम वहां खंडाला में थी तब ये सब हुआ? हां जी सर, एक्चुअली वहां हमारी प्रॉपर्टी को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, इसीलिए मैं और करण वहां गए थे। करण जी, he is my lawyer. सर, वो लैंड शीतल के नाम पे थी, इसलिए उसे वहाँ होना ही था। यस सर, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। आप? She is तारा, my assistant. हाँ तो शीतल, जब तुम खंडाला में जा रही थी तब घर पर सिर्फ तुम्हारे पिताजी कल्याण जी और तुम्हारा भाई रे और ये मिथुन था, है ना? हाँ सर, एक्चुअली करीब 8 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें पापा की आईसाइट चली गई। पापा देख नहीं सकते और मिथुन काका उनका अकेले ध्यान नहीं रख पाएंगे, इसलिए रे वो यही रुक गए। मुझे उन दोनों को अकेले छोड़ना ही नहीं चाहिए था। शांत हो जाओ। एक बात बताओ शीतल, तुम कह रहे थी कि उनको अकेले छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था, क्यों? ऐसे क्यों लगा तुम्हें? क्या तुम्हें डर था कि उनकी दोनों की जान को खतरा है, ऐसे कुछ होगा? नहीं सर, पर इतना जरूर पता था कि रेकी उसके फ्रेंड्स के साथ ना कोई बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। फ्रेंड्स के साथ? और वो लोग एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे थे किसी चीज को लेके। तू ऐसा हम लोग साथ कैसे कर सकता है? एक बार फिर से सोच ले, अगर यही तेरा फाइनल डिसीजन है तो जानता है कि क्या होगा। आई डोंट केयर, मैं तो सिर्फ सही टाइम का वेट कर रहा हूँ। पर अगर किसी को कुछ पता चल गया तो? तुम पागल हो गई हो क्या? अगर तुम ऐसे बिहेव करती रहोगी तो शर्ली किसी ना किसी को तो डाउट हो ही जाएगा। गाइस, अगर अगर हम कंट्रोल में हैं, तो वी आर सेफ। गाइस, तुम लोग अपना देख लो। मुझे ऑनेस्टली नहीं पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। मुझे रे पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। आई कांट ट्रस्ट हिम। अगर इसका मुंह खुला तो हम सब फंसेंगे। उससे पहले इसका मुंह बंद करना पड़ेगा। शीतल, जो भी तुम्हारे भाई के साथ हुआ उसका बहुत दुख होता है। आई एम सो सॉरी। एक बार तुम्हारे पिताजी को होश आ जाए ना तो सारी बातें साफ हो जाएगी। वैसे मिथुन, कल रात तुम यहीं पर थे ना? क्या
हुआ क्या जरा ठीक से बताओ। शरीर पे कोई बड़ा घाव नहीं है, बस छोटी मोटी चोटें हैं, लेकिन हाँ फ्रैक्चर थोड़े ज्यादा है। समझ में नहीं आ रहा है इसकी मौत हुई कैसे। मैं अपना काम कर रहा था, अचानक लाइट चली गई और किसी ने मेरा मुंह बंद कर दिया। मैं बेहोश हो गया साहब, जब आँख खुली तो आप सामने थे, बाकी को कुछ याद नहीं आ रहा सर। ठीक है, रो मत। सर मौत की वजह तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, जिसने भी खून किया है सोच समझ के किया है, बड़ा ही चालाक है खूनी। एक काम करते हैं, इस घर को फिर से अच्छी तरह से चेक करते हैं। ग्लास तोड़कर अंदर घुसा है घर के अंदर। ये देखो खून लगा है उसका, अंदर घुसते वक्त या भाग जाते वक्त। हेलो एसीबी प्रतिमान, ये अच्छा कल्याण जी को होश आ गया। कल्याण जी, मैं सीआईडी से एसीपी प्रद्युमन, आप मुझे बता सकते हैं क्या हुआ? मैं अपने घर पर था, मुझे तो सिर्फ आवाजें सुनाई देती, जोर जोर से चिल्ला रहा था, चीजें यहां वहां फेंकी जा रही थी, बहुत शोर था, पता नहीं क्या क्या हो रहा था, और फिर सडनली बाएं हाथ से कोई भाग कर आया और उसने मुझे चाकू मार दिया, शायद बाएं हाथ से, और इससे पहले कि मैं रे को कुछ रे ठीक है रे, रे, रे ठीक तो है शीतल, शीतल शीतल तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? हे भगवान, हे भगवान। जो भी कुछ हुआ हम उसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन जिसने भी आपकी बेटी की जान ली है उसे सजा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ कल्याण जी, आपने कहा कि कोई बाएं साइड से आकर उसने आप पर चाकू का वार किया है, लेफ्ट हैंड साइड से। हाँ। ये कुछ खास बात याद आती है उस आदमी के बारे में? हाँ, कोई खास बात? हाँ, वो जरूर लेफ्ट हैंडेड था। वो ये आप कैसे कह सकते? सर मुझे पता चल जाता है, मेरी सेंसेस बहुत स्ट्रांग है, उसने जब मुझ पे वार किया मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था, और वो इतना स्ट्रांग था, वो जरूर लेफ्ट हैंडेड था सर, 100% लेफ्ट हैंडेड था। तो क्या डॉक्टर साहब ये जो जख्म है इनके शरीर पर वो वाकई किसी खब्बू आदमी ने बनाया? यस सर, घाव के निशानों के हिसाब से यही लगता है। चलो सर कुछ तो सुराग हाथ लगा। हाँ, ये चारों के चारों दोस्त रे को धमका रहे थे, गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है इन चारों में। तनिषा, अंकिता, विवान और सैम, उठाओ इन चारों को, उठाओ। नमस्ते सर। आप? मैं सैम का फादर हूं। पिछले दो हफ्तों से सैम से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई, अब मैं आपको कैसे बताऊं कि वो कहां पर है? मैंने उसको कई बार फोन किया लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा। मैं तनिषा की माँ, अब उससे फोन करके मैं क्या पूछूं? ये तनिषा ने खुद मुझे कहा था कि वो अपनी हॉलीडे एक्सटेंड कर रही है,
कुछ दिन वो फ्रांस में रहना चाहती है। और मैं अंकिता का भाई हूँ, जस्ट फॉर नेम्स सेक। डैड को बातों में फंसा कर 80% प्रॉपर्टी उसने अपने नाम पर कर ली। मैं क्यों फिक्र करूँ सर उसके बारे में? सर मैं अंकिता के बारे में कुछ नहीं जानता। हाँ सर, व्हाट आई जस्ट नो इज सर वो 2 हफ्ते पहले दिल्ली गई हुई थी कुछ मार्शल आर्ट कैंप के लिए। जी सर, मैं विवान का फ्रेंड, उसके डैड के पास इतना पैसा है कि वो घूमता रहता है, होगा कहीं हॉलीडे पे। मतलब ये चारों पिछले 2 हफ्तों से शहर से बाहर है और आप में से कोई भी उनके टच में नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप लोग जा सकते हैं। अगर जरूरत पड़े तो आप लोगों को हम फिर से बुला लेंगे। थैंक यू। जरा एक मिनट, क्या आप बता सकते हैं कि सैम, तनिषा, विवान और अंकिता इन चारों में से कोई लेफ्ट हैंडेड है, कब्बू है? हाँ सर, मेरा बेटा सैम लेफ्टी है। अच्छा, क्यों सर? नहीं नहीं, ऐसे ऐसे। हाँ, अब लोग जा सकते हैं। थैंक यू। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन चारों ने मिलके रे को मार दिया हो सकता सर, और उसी डर के वजह से ये चारों कहीं ना कहीं जाके छुपके बैठे होंगे। सर, ये चारों की लोकेशन का पता चलिए। सर, कल रात सैम, तनिषा, अंकिता और विवान, इन चारों की मोबाइल लोकेशंस शीतल के घर के 3 किलोमीटर के रेडियस में थी। सैम, तनिषा, अंकिता, विवान, रे, उन पांचों में कोई एक राज छुपा हुआ है, कोई ऐसा राज जो वो पांचों किसी को बताना नहीं चाहते थे, वो राज अपने पास ही रखना चाहते थे। हो सकता है ये रे कमजोर पड़ गया हो, बस तो राज किसी को पता ना चले, रे किसी को ना बताए, इसलिए रे को खत्म कर दिया। ये पता करना होगा सर कि वो कौन सा राज था जिसकी वजह से रे की जान चली गई। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये चारों फरार क्यों हो गए? इन्हें तो खून करते हुए किसी ने देखा ही नहीं। एग्जैक्टली, लाइट चली गई थी सर, और वो कल्याण जी देख नहीं सकते थे और नौकर मिथुन बेहोश पड़ा था, तो वहां से भागकर कोई शक अपने ऊपर ओढ़ के क्यों लेगा? सर, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कुछ मिसिंग है। सर, ट्रेस करना शुरू करते हैं सर। अगर ये शहर से बाहर गए हैं तो किसी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन, होटल से तो गए होंगे, तो उनके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के डिटेल्स निकलवाते हैं। या कहीं से भी हो, जहां से भी हो, इन चारों के लोकेशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए जल्द से जल्द। आप बोल सारों के? यार सारों के, तूने इस कंकाल पे ये रेड मार्क्स क्यों किए? बस ये समझाने के लिए कि रे की हड्डियों का कैसे चूरा बना है। ये देखो, ये रे की हड्डियों का एक्सरे, इस रे पर बहुत जबरदस्त ताकत के साथ वार किया गया, एक झटके में इसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। बस एक वार तो इसके रिब केज पर इतना जबरदस्त किया गया है कि एक ही झटके में इसके रिब केज की बाईं हड्डियां 12 की 12 पसलियां एक साथ एक झटके में टूट गई, और वो भी कमाल की बात यह है कि एक ही सिमेट्री में, एक झटके में 12 पसलियां। नतीजा, हार्ट का रुक जाना, हार्ट ब्लॉक, इसके हार्ट पर जबरदस्त प्रेशर पड़ा। कमाल की बात यह है बॉस कि जितनी ताकत के साथ इस पर वार किया गया है, इतनी ताकत हाथों से या किसी भी हथियार से पैदा नहीं की जा सकती। इसे देख करके तो ऐसा लगता है जैसे खूनी जानता था बॉस, खूनी जानता था कि किस पॉइंट पर वार किया जाए कि एक ही झटके में सारी की सारी पसलियां एक साथ टूट जाए, एक सिमेट्री। हाथों से कोई इतना फोर्स तो पैदा नहीं कर सकता। हाँ, कर सकता है अगर कोई मार्शल आर्ट्स का जानकार हो तो, जैसे कुंग फू, कराटे, ताइक्वांडो, इन सब में खास किस्म के मूव्स होते हैं जिसे इतना फोर्स पैदा किया जा सकता है। यह हो सकता है बस। अब ये अटैक उसी ने किया जिसे मार्शल आर्ट्स की जानकारी है, जैसे आर्मी बैकग्राउंड का कोई मार्शल आर्ट्स।
वो लड़की भी तो गई है ना दिल्ली में मार्शल आर्ट्स का कैंप अटेंड करने के लिए। क्या नाम है उस लड़की का? अंकिता। अंकिता के भाई ने तो हमें ये बताया। सर व्हाट आई जस्ट नो इज सर वो दो हफ्ते पहले दिल्ली गई हुई थी कुछ मार्शल आर्ट कैंप के लिए। और सर कत्ल की रात उसका फोन शीतल के घर के आसपास ही था, उसी ने किया होगा। सैम के साथ मिलके। सैम कल्याण जी पर जिसने भी चाकू का वार किया था वो आदमी खब्बू था, लेफ्ट हैंडेड। हाँ सर, मेरा बेटा सैम लेफ्टी है। ये हो सकता है क्योंकि शीतल के घर की जिस खिड़की पर से हमें वो ब्लड सैंपल मिला था उसका डीएनए सैम के डैड के डीएनए के साथ मैच होता है। मतलब सैम वही था और अंकिता भी। बस अब हमें ये पता लगाना है कि ये सैम, तनिषा, अंकिता और विवान इस वक्त है कहां पर। अच्छा आप कैब ड्राइवर हैं, आप उस वक्त कहां थे? सर सैम एक टूरिस्ट टैक्सी लेकर पूना चला गया है। टैक्सी ने जहाँ उसे ड्रॉप किया उसका एड्रेस थोड़ी देर में मिल जाएगा। सर पिछले 24 घंटे में ये तनिषा ने पंचगनी में अपना एटीएम कार्ड 3 बार यूज किया। सर ये अंकिता तो बड़ी अजीब है। दिसंबर 2017 में इसने बोरीवली के ज्वालाडीह मार्केट से 5 सिम कार्ड खरीदे थे। हाँ सर ये वही जगह है जहाँ पे यूज सिम कार्ड मिलते हैं। और सर ये सब के सब 10 दिसंबर 2017 को महाबलेश्वर गए थे और 14 दिसंबर को लौटे। सर इन्हें लग रहा था कि इन्हें कोई पकड़ेगा नहीं लेकिन इनसे एक गलती हो गई। ये जो अंकिता है सर इसने जो सिम कार्ड लिए थे उसकी लोकेशन हमें महाबलेश्वर से 15 किलोमीटर आगे हाउस होल्ड में मिली। ब्रिलियंट जॉब, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट जॉब। बस अब नाउ नो वेस्टिंग टाइम, हम टीम बनाते हैं और काम शुरू करते हैं। सर 5 सिम कार्ड वो भी यूज्ड, कर क्या रहे हैं ये लोग? जो भी कर रहे हैं करने दो, पछताएंगे जरूर, बहुत पछताएंगे। किसका फोन है? किसी विवान का है। विवान का कैसे हो सकता है? तुमने ठीक से सुना ना? अब उसने विवान कहा तो विवान ही होगा, मुझे क्या पता, आप बात करो। हेलो कौन बोल रहे? दूर, मैंने बोला था कि आज के बाद हम कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तो कॉल क्यों किया? और तुझे पता कैसे चल रहा कि मैं यहाँ हूँ? ओके तो वहीं रुक, मैं आ रहा हूँ। बीच रास्ते इसकी बॉडी मिली है सर।
किसी ने दिन दहाड़े भरे मार्केट में गोली मारी है। लॉन्ग डिस्टेंस शॉट था, ऑब्वियसली स्नाइपर होगा। स्नाइपर लॉन्ग डिस्टेंस से गोली चलाई, मतलब किसी को पता भी नहीं चला होगा कि गोली चली कहां से और फिर गोली चलाई किसने। एनीवे थैंक यू वेरी मच। जी सर। सर सर हम लोग तनिषा तक पहुंचने ही वाले थे कि किसी ने इसे भी मार दिया। वही तो सर, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता सर। हेलो, क्या ठीक है? क्या हुआ सर? पुणे पुलिस स्टेशन से फोन था, किसी ने सैम को मार दिया। व्हाट? ओह माय गॉड। सर वो जिस लॉज में रुका था उसी लॉज के पास। सर ये जरूर विवान और अंकिता का ही काम है। ये कोई सीक्रेट है जिसे छुपाने के चक्कर में ये लोग आपस में एक दूसरे का खून कर रहे हैं। अपनी जो भी है उसे पता कैसे चलता है कि हम किसके पास जाने वाले हैं? चार में से दो बच गए हैं, विवान और अंकिता। सबसे तो नहीं, मैं अंकिता से मिला था, उससे बात हुई थी मेरी। अंकिता से? जी। ये थी वो? हाँ ये वही लड़की है, इसी ने मुझे पेमेंट दिया था 2 दिन के 20,000 रुपए। 2 दिन के 20,000 वो मान गए? ऐसी क्या इमरजेंसी थी? अच्छा उन 2 दिनों में आपने उनसे या उनके ग्रुप के बाकी लोगों से मिले थे? नहीं सर, मैं किसी से नहीं मिला। मैंने तो उस लड़की को ऑफर किया था कि हमारे पास कुक और क्लीनर दोनों हैं, लेकिन तो उस लड़की ने मना कर दिया कि मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। तो उसने कहा कि आप 2 दिन के बाद आइए जब हम यहाँ से चले जाएं। और 2 दिन के बाद जब मैं वापस आया तो यहाँ सब कुछ वैसा का वैसा ही था, कोई गंदगी नहीं, कोई कचरा नहीं, सब साफ सुथरा था एकदम। अच्छा उसके बाद आपने ये जगह किसी और को दी? नहीं सर, हमें जगह का रिनोवेशन कराना था, इसके लिए हमने जगह बंद कर दी थी। आपके क्लीनर को जरा बुलाइए, उससे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। मैं भेजता हूँ। बिना क्लीनर और बिना कुक के 2 दिन यहाँ पे रहे, कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पकी रही थी यहाँ पे। ये कॉटेज की सफाई तुम्हें करते हो? जी सर। चलो। अच्छा जब वो 5 लोग यहाँ से गए उसके बाद जब तुमने यहाँ की साफ सफाई की तो कुछ मिला इधर उधर या कुछ अजीब लगा तुम्हें? नहीं सर, वो लोग तो बहुत अच्छे थे, जाने से पहले पूरी जगह को एकदम चकाचक साफ करके गए। पता नहीं कौन सा साबुन क्या डिटर्जेंट यूज किया, पूरा घर चमका दिया था। अरे वाह, हाँ सफाई हो रही है। ये कौन सा डिटर्जेंट है मैडम जी? अरे कुछ नहीं, वो रात को पार्टी हुई थी ना तो ज्यादा गंदा हो गया है, तुम जाओ हम कर लेंगे। बस साफ कर दो। एक मिनट एक मिनट, ये लो ये लेके जाओ। हाँ जाओ 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 जाओ। बहुत महंगी है सर, मैंने तो पहनी नहीं कभी, वरना लोग कहते हैं चोरी की। महंगी तो है पर फिलहाल ये महंगी घड़ी हमारे पास रहेगी। जी सर। आइए आप लोग आइए। सर सैम, तनिषा और रे तीनों का तो मर्डर हो गया है, अब बचे विवान और अंकिता। खूनी इन दोनों में से ही कोई हो सकता है। ये विवान ही होगा, उसी ने सैम को फोन करके लॉज के बाहर बुलाया था। जो भी हो उसे पता कैसे चलता है कि हम कहां जाने वाले हैं, और जब भी हम वहां पहुंचते हैं तो उससे पहले ही वो वहां पहुंचकर खून करके निकल जाता है। सैम किस लॉज में ठहरा है और तनिषा रोड पर कहां मिलेगी, ये सारी इंफॉर्मेशन तो हमारे पास थी ना, उन तक कैसे पहुंची? सर शायद वो लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में हो। नहीं पूर्वी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लॉज के मालिक ने बताया कि सैम को जब विवान का फोन आया तो सैम को झटका लग गया। मैंने बोला था कि आज के बाद हम कांटेक्ट में नहीं आएंगे, कॉल क्यों किया? बॉस क्राइम सीन पर ये जो शोपीस मिला है इस पर ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग डिटर्जेंट मिला है,
इसे ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग डिटर्जेंट से साफ किया गया है। ये क्या है? रेडी एक ऐसा डिटर्जेंट होता है जिससे सारे के सारे एविडेंस एकदम साफ किए जा सकते हैं, खून के निशान तक। हमें कोई डीएनए नहीं मिल सकता। मतलब सर, ये हॉलिडे होम में खून हुआ था? एग्जैक्टली। पर हाँ, ये घड़ी, इस पर अलग अलग लोगों की उंगलियों के निशान तो हैं ही, साथ ही इस पे मुझे किसी का डीएनए भी मिला है। तो शायद रे इसी खून का पर्दाफाश करने वाला होगा। पूर्व एक काम करो, ब्यूरो में जाओ, खून की रिपोर्ट चेक करो, मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट चेक करो, देखो किसी भी रिपोर्ट में इस घड़ी का जिक्र किया है क्या। सर। यार, इन पांच में से बचे हैं दो, विवान और अंकिता। अगर खूनी विवान या अंकिता को कांटेक्ट करना चाहे तो फिर वो जो पांच यूज्ड सिम कार्ड्स है ना, वो इनके पास होंगे, उन्हीं में से किसी नंबर पर वो फोन करेगा, है ना? वो नंबर्स ट्रैक करते हैं। सर, तनीषा का खून हुआ पंचगनी में, सैम का खून हुआ पुणे में, दोनों जगहें 100 किलोमीटर दूर, जबकि खून हुए सेम टाइम पे। और एक ही टाइम पे कोई दो जगहों पे कैसे हो सकता सर? कोई तो है जो इस प्लान में शामिल है। मान लिया दया कि कोई और है इस खूनी के साथ, एक बार ये विवान और अंकिता हमारे पंजे में आ जाए ना, तब सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। एक काम करो अभिजीत, साइबर डिवीजन से एक हैकर को बुला दो। इसमें पूरे पैसे है ना? एक मिसिंग रिपोर्ट तो दर्ज हुई है जिसमें इस घड़ी के बारे में लिखा हुआ है। कोई रणधीर कुमार नाम का एनआरआई था। कब फाइल हुई थी रिपोर्ट? 6 दिसंबर 2017। कोई करण जोशी ने फाइल की थी। जी ये देखिए। थैंक यू। लोगों ने इस रणधीर को तो नहीं मार डाला? और कहीं ये करण रणधीर की मौत का बदला तो नहीं ले रहा? करण जी, he is my lawyer. Good to see you. आई होप इसमें पैसे पूरे हो गए। हाँ, पूरे पैसे हैं। आओ अंदर। देखो, हम लोग जहाँ भी जाते हैं उससे पहले खूनी को कैसे पता चल जाता है? मे बी आप लोगों की लोकेशन कोई ट्रैक कर रहा था। यू मीन जीपीएस ट्रैकर? जी। सेलफोन? यस सर। एक काम करो, सर हमारे सेलफोन चेक करो। ने पैसे मांगे थे, हम लेकर आए हैं, अब वो एविडेंस दो और सब खत्म करो। खत्म करूं? जैसे तुम लोगों ने रणधीर को खत्म किया था। करण, हमें सबूत दो। देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूं। कौन? बुलाता हूं। सर देखिए, आप लोगों के फोन हैक्ड हैं। व्हाट? हैक्ड? पर कैसे? आपके फोन में हिडन स्पाइवेयर है जिससे आपके सारे ईमेल्स, कॉल मैसेजेस, सब चीजों को ट्रैक किया जा रहा था। लेकिन हमारे फोन हैक कौन कर सकता है और कब किए होंगे? फोन तो ज्यादातर हमारे साथ ही रहते हैं। एक मिनट अभिजीत, आई सी यू। हमारे फोन को उसी वक्त उसने हैक किया। और अभिजीत सर, दया सर, आप दोनों के फोन को शायद उसने एसीपी सर के फोन से हैक कर दिया होगा। अबुरवी, करण मरने वाले से रिलेटेड है?
जो सजा रणधीर तुम लोगों को देने वाला था अब हम तुम्हें देंगे, जैसे सैम। तनिषा और रेको दी, अब तुम दोनों की बारी है, तभी रणधीर की आत्मा को शांति मिलेगी। इसी घर में मारा था ना तुमने रणधीर को, करण। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है ना, तुमने हमें हमें फंसाया है ना। बस यही प्रॉब्लम है आजकल के तुम जैसे नौजवानों की, बहुत जल्दी होती है तुम जैसे आजकल के नौजवानों को किसी भी नतीजे पे पहुंचने के लिए। ये पकड़ो, कौन कहता है कि तुम्हें देखने के लिए मुझे नजरों की जरूरत है। तुम ठीक तो? बरसों से मैं स्पेशल फोर्सेस में था, दुश्मनों को तो मैं चुटकी भर में सूंघ कर निकाल देता था, फिर तुम तो बच्चे हो।
छोड़ो उसको। मैं तो अंधा हूं ऑफिसर, लेकिन आप देखकर बताइए कि मैंने उसका सारा शरीर बेकार कर दिया है या नहीं, या तू एक और। शीतल, रणधीर तुम्हारा भाई था और कल्याण जी रणधीर तुम्हारा बेटा है ना, और ये सब करने के लिए तुमने सीआईडी का इस्तेमाल किया, क्यों? सही समझा आपने, रणधीर शीतल का भाई था और मेरा बेटा। यानी रे का भाई? नहीं, रे मेरा बेटा नहीं था, उसे तो सिर्फ मैंने इस्तेमाल किया था हमें गुमराह करने के लिए, ताकि हम विवान, अंकिता और सैम तनिषा के पीछे लग जाए और उन्हें सजा दिलवाए, ताकि आपका बदला पूरा हो सके। हम उसे मारना नहीं चाहते थे, रणधीर एक्सचेंज प्रोग्राम का स्टूडेंट था, एकदम सीधा लेकिन बहुत पैसे वाला। अंकिता हमेशा से ही एक हाई फाई लाइफ जीना चाहती थी, उसी ने ये प्लान बनाया और रणधीर को किडनैप करके उसे पैसे मांगने। कितना रैंसम मांगा था तुम लोगों ने? 5 करोड़। फिर भी मार दिया तुमने उसे? रणधीर भाग रहा था, अंकिता को गुस्सा आया और उस एक सेकंड के नॉनसेंस पन में उसने उसे मार दिया और हम सब घबरा गए, कुछ समझ नहीं आया कि क्या करें, तो उसकी बॉडी लेकर हमने लेक में डाल दिया। अरे को ये बात हजम नहीं हुई और यहीं पर तुम्हारा प्लान गड़बड़ हो गया। सर वो रणधीर की इंडिया में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी, कल्याण अंकल और शीतल तो न्यूयॉर्क में थे, लेकिन रणधीर का केयरटेकर मैं यहाँ था। इन लोगों को पैसा देने के बाद भी इन्होंने रणधीर को नहीं छोड़ा, मार दिया, तो मैं घबरा गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर एक दिन रे का कॉल आया। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि हमने उसको I'm sorry. कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम सिर्फ हमें बता दो कि बाकी के दोस्त लोग कहाँ हैं। अंकल वो सब बाहर चले गए, जब तक कि रणधीर का केस सॉल्व नहीं हो जाएगा ना अंकल, वो वापस नहीं आएंगे। कहाँ है वो? मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं पता। रे तो हमारे पास था ही, बस उन चारों को पकड़ना था, और ये काम हम अकेले नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए तुमने हमारा इस्तेमाल किया, क्यों? रे से सारी इंफॉर्मेशन निकालने के बाद तुम लोगों ने उसे एक दर्दनाक मौत दी, ताकि हम लोग वो केस इन्वेस्टिगेट करें और ये सारी कहानी निकल के सामने आए। साथ में हमें सारे एविडेंसेस दे दिए, उन चारों के मोबाइल नंबर्स और सैम जिस पैथोलॉजी लैब में काम करता था वहां से उसके ब्लड सैंपल मंगवा लिया, हम सबके फोन्स हैक किए, काफी अच्छी प्लानिंग थी। लेकिन एक बात भूल गए तुम, सजा देने का काम तुम्हारा नहीं कानून का है। रणधीर की मौत का बदला तो तुमने ले लिया, लेकिन सजा अपने आप को दी है, अपने आप को। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।